हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज हम आपको श्री केदारनाथ जी के साक्षात दर्शन करवाने वाले हैं, और वो भी अपने धनबाद शहर में ही आपको दिखाने वाले हैं श्री केदारनाथ जी का दर्शन आपको। तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। हम लोग हीरापुर पहुँच चुके हैं। ओ भाई भाई भाई, ये क्या गाइस, ये पापा की परियां लोग भी हद है यार, इतनी हॉर्न बजा रहा हूँ फिर भी आगे बाइक पे घुस रही है। तो गाइस, ये पापा की परियां लोग से दूर रह के ही ड्राइव करें, नहीं तो आप बीच रोड पे भी चलोगे ना, ये पापा की परियां लोग आगे उस बीच रोड पे भी घुस जाएगी, और वो गलती आपकी होगी कि आपने ही उन्हें ठोका है। तो प्लीज़ कीप डिस्टेंस फॉर पापा की परियां। और ये हम लोग खाटन मैदान पहुँच चुके हैं गाइस। खाटन मैदान का हम लोग एक वीडियो सेपरेट बनाए हुए हैं, जो आप लोग हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। तो जस्ट सेकंड में आपको हम श्री केदारनाथ जी के दर्शन करवाने वाले हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा श्री केदारनाथ, जो बरमसिया में बने हुए हैं, धनबाद के बरमसिया फाटक के पास, जो बहुत ही बेहतरीन कारीगरों ने बनाया है, और इनका जो काम किया गया है वो भी बहुत बारीक लेवल में काम किया गया, और अंदर का जो सजावट है वो भी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी काम किया गया है यहाँ पर। तो आज का ये ब्लॉग हम माता रानी के सातवें दिन बना रहे हैं, और ये नज़ारा जो है, जो भीड़ है, वो सातवें दिन का है। तो एक झलक आपको सामने से हम दिखाने वाले हैं कि ये जो पहाड़ का सीन दिया गया है वो कैसे बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ों के सहारे बनाए गए हैं, कपड़ों को वाइट कलर से पेंट किया गया है, वो पहाड़ का डिजाइन दिया गया है। ओ भाई, ये क्या, ये पापा की परियां लोग महादेव जी के साथ सेल्फी लेते हुए। ओ भाई, कभी हमारे साथ भी सेल्फी वेल्फी ले लिया करो यार। हम लोग प्रवेश द्वार से प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पर प्रवेश द्वार पे घंटियों के सहारे सजाए गए हैं, घंटियों का सीन दिया गया है, और ये उनके साइड साइड में भी दिया गया है जो, और ये देख रहे हैं आप, इनके पुल के दोनों तरफ ये फूल से और पानी का सीन दिया गया है। थर्माकोल के सहारे फूल बनाए गए हैं और पानी दिया गया उसमें, जैसे कोई तालाब से वो फूल खिल रहे हैं। और इधर झरना भी बनाए गए हैं, जो पर्वत से झरना निकल रहे हैं और वो पानी आ रहे हैं इसी में। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ पर, और हम लोग अंदर आने वाले हैं फ्रेंड्स। अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, जो बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। ये कपड़ों से पूरा बर्फ का सीन बनाया गया है, अच्छा लग रहा है, और जो बनाने वाले कारीगर हैं उसमें वो भी बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। और पंडाल के राइट साइड में एक शिवलिंग का सीन दिया गया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये हमारे माता रानी का जो मूर्ति बनाए गए हैं पंडाल के अंदर, तो आपको हम सामने से दिखाते हैं माता रानी का जो मूर्ति है यहाँ पर। जय हो माता रानी की। और ये ऊपर का सीन है फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्माकोल और कपड़ों के सहारे पूरा बर्फ का सीन बनाया गया है, जो कि बहुत बेहतरीन लग रहा देखने में, और कारीगरों ने काम भी अच्छा किया है। और इनके पंडाल के लेफ्ट साइड में महादेव जी का एक सीन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिससे गुफा के अंदर वो शिव जी घुसे हुए हैं। तो अब हम आपको बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि अंदर में जो भी था सब कुछ हम आपको दिखा चुके हैं। तो हमारा ये केदारनाथ का पंडाल आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पंडाल के साथ।